ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जमीन विवाद में भाई बहन के बीच जमकर मारपीट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की गिरिडीह से, दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें चार लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिरिडीह की, ये तस्वीरें जहां जमीन विवाद को लेकर भाई बहन के बीच मारपीट हुई। दोनों का पक्ष लेकर लोगों ने जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जमीन विवाद को लेकर ये मारपीट हुई और भाई बहन के बीच ही ये मारपीट हुई। इसमें चार लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। तो ये गिरिडीह का मामला, जहां भाई बहन के बीच जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और विवाद हिंसक हो गया। तो ये गिरिडीह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में चार लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को सदर अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। भाई बहन के बीच ही विवाद था जमीन को लेकर, और आज ये विवाद हिंसक हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भाई बहन दोनों के पक्ष में अलग अलग लोग आपस में ही भिड़ गए। जमीन को लेकर यह विवाद हिंसक हो गया, जिसमें चार लोगों को चोट आई है। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता श्रीकांत से। श्रीकांत, जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है जमीन विवाद का, वो कांगे प्रखंड के डेला कांडगांव का मामला है, जहां पर परिवार के आपसी जमीन विवाद में जो है मारपीट हुई है, ताकि डंडे चले हैं, जिसके बाद में जो लोग घायल हैं फिलहाल उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दोनों पक्ष जो है उनकी ओर से थाने में आवेदन भी दिया गया है जमीन की बात को लेकर। अब देखना यह है कि इस मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन बहरहाल जब पिछले लॉकडाउन में बात करें तो जमीन विवाद के मामले काफी बढ़ गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग बाहर में काम करते थे वो वापस अपने घर आ रहे हैं, अब उन्हें यहाँ आजीविका चाहिए तो वो अपनी जमीन का हिस्सा या टुकड़ा मानते हैं। इसको लेकर आज के दिनों में जमीन विवाद के जो भी मामले हैं उन मामलों में थाने स्तर पर भी काफी इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह अंचल का मामला है या फिर परिवार का मामला है, जमीन विवाद के मामलों में निपटारा न होना यह विवाद का कारण बताए। जी, धन्यवाद श्रीकांत इन जानकारियों के लिए।